विभिन्न बीमारी से पीड़ित और घायलों का इलाज करने की जिम्मेदारी संभालने वाला एकमात्र सरकारी जिला अस्पताल पिछले काफी लंबे समय से बीमार है। जिला अस्पताल को अब तक 600 बिस्तर का दर्जा भी नहीं मिल सका है। वर्तमान में 390 बेड ही उपलब्ध है। वहीं मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं आज तक अपग्रेड नहीं हो सकी है। यही नहीं, जो सुविधाएं यहां पहले से मौजूद है वे भी मरीजों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उचित देखरेख के अभाव में मशीनें खराब पड़ी है जिन्हें अब तक प्रबंधन ठीक नहीं करा सका। वहीं जो नई सुविधाएं अस्पताल को मिली है वे भी प्रशासनिक उदासीनता के चलते अधर में लटकी हुई है। जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य जिलों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। एक और जहां पड़ोसी जिले मंदसौर में सुविधा है, यही नहीं वहां का जिला अस्पताल अन्य सुविधाओं के मामले में भी काफी आगे है। नीमच जिला अस्पताल में नई सीटी स्कैन मशीन शासन ने मंजूर की है, लेकिन उसे लगाने के लिए भी प्रशासन अब तक सफल नहीं हो सका है। इन सभी कारणों के चलते मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड भी नहीं बन सका। कई बार डॉक्टर तो यह कहकर चले जाते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन हमारे पास इसकी सुविधा नहीं है। ऑपरेशन कराना है तो भीलवाड़ा या उदयपुर अहमदाबाद जाना होगा। आर्थिक परेशानी के चलते जब उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहा तो वह भी नहीं बन सका। बताया गया है कि आप आयुष्मान योजना के पात्र नहीं हैं। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पात्रता श्रेणी में आते हैं। मरीजों का यह दर्द यही खत्म नहीं होता। कई मरीजों का तो यहाँ तक कहना था कि जब वे निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराने गए तो वहाँ कहा गया कि यह ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि यह उनकी लिस्ट में शामिल नहीं है।